डिनर बना था, क्या ही, तो फिर प्लान कैंसिल। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। हमारी हो चुकी है गुड मॉर्निंग और यहाँ पे है दित्या, जिनकी दित्या की भी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। देखा कि मैडम भी सो रही है और हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, सो डेली के रूटीन फॉलो करते हुए नहाने जा रही हूँ, क्योंकि वो सो रही थी, अपना काम फटाफट कर लेती। और जैसा कि आपने देखा कि 12 बजे ये सोई थी, 12 बजे मैंने आपको गुड नाइट बोला था, उसके बाद 5 बजे उठ गई। टाइम से सोई थी ना और उठी तो इतना ज़ोर से रोई, तो उसको भूख लगी थी, तो अभी फिर से दूध पी के आराम से सो रही हैं और मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ते में चावल फ्राई, फ्राइड राइस समझ लो, क्योंकि राइस बचा था कल का, तो हमने वही फ्राई कर लिया है। और नाश्ता मैं सोच रही थी मैं नीचे जाऊंगी लेके, और जैसे मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ नीचे लेके दित्या को, उसी वक्त मैडम ने सुसु कर दिया। फिर सुसु करने के बाद मैडम को बोला कि भूख, और फीडिंग में लगेंगे आधे घंटे, तो फिर प्लान कैंसिल। सो हम मैडम के उठने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आज मैं जा रही दित्या को नहलाने। यस, बहुत से सोच रही थी कि नहलाओ नहलाओ नहलाओ, लेकिन मौसम ऐसा हो जाता ना बीच बीच में कि नहीं नहला पा रही थी, इसीलिए आज फाइनली मैं जरूर दित्या को नहलाने। और पानी करेंगे हम गुनगुना नॉर्मल इसके लिए, और मैं नहलाऊंगी। मुझे आता है यार बच्चों को नहलाना, मैंने क्योंकि राधा को मैंने नहलाया है तो मुझे आता है, और मैं आज मेरी बाबू को नहलाऊंगी, मेरी डिट्टियो को ना डिट्टू। चलो चलो रेडी हो जाओ, इसीलिए उसका मालिश हुआ तो मैंने उसको कपड़े नहीं पहनाए, तब वो सो गई दूध पी के और आराम से सो रही है, अब उठ गई है, अब फटाफट से करती हूँ तो अभी रोने लगेगी फटाफट से। सो दित्या का निकाल दिया है कपड़ा, कितना छोटा कपड़ा है, एक बित्ते का। अच्छा लग रहा है ना, फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है दित्या को, दित्या को फ्रेश फील हो रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार पैदा हुई थी तो हमें दिया था ना, उस तरीके से लग रही है। जब गर्म पानी इसके ऊपर पड़ रहा था ना तो मस्त आराम से लेटी थी, बस वो जो गर्म पानी के बाद जो हवा चलती है ना ठंडी ठंडी, तो थोड़ा सा जो ठंडा लगता है ना वो उसकी वजह से रो रही थी, बाकी तो सब मस्त है, मस्त है, मस्त है, मस्त है। यहाँ पे बज रहे 5:30 और चाय वाय बना के मैंने पी लिया है, दित्या अभी तक सो रही है, मतलब सुबह का आज नहाई है और सदर से सो रही है, एकदम फ्री नींद, मतलब इस नींद ये इसमें उठती नहीं है, मतलब वैसे मतलब क्यों बोल रही इतना सारा, तो जैसे कि ना ऐसे कभी कभी ऐसी नींद होती है ना कि वो ज़रा सा भी आवाज़ में तो उठ जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसी गहरी नींद में सोती है कि कितना भी आवाज़ करो कितना भी चिल्लाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आज उसी नींद में ये सो रही है सुबह से 1 बजे से, दोपहर के 1 बजे से, और अब बज रहे 5:30। बहुत कलाकार तू बाटू भैया, बहुत कलाकार। यहाँ पे दित्या के पापा आ गए हैं ऑफिस से, और इनको देखो क्या ढूंढ रहे की कोशिश कर रही है। हाँ दित्या ढूंढो ढूंढो, हाँ भूख लगी, मुंह कैसे फाड़ रही है दित्या, इसे दूध पीना है। हाँ देखो
दित्या अब रोने वाली है। मम्मी इधर आओ, इसको दिखाओ, इधर जल्दी आओ दित्या। कितना पेट भर आ रहा है दित्या। ना के बस टच रहा है बस, नहीं फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ। स्कैम हो रहा है मेरे साथ, स्कैम। मजा आया, मैं उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। क्या खेल भी है भाई आस्त्री? हाँ खेल रही है बिट्टू। हेलो, तो अभी अभी प्लान हुआ है, ये अभी ऑफिस है तो अभी अभी प्लान हुआ है कि आज बनाएंगे अफगानी चिकन। मैंने तो चिकन खाया है अफगानी, तो आज बनाएंगे ये। और आधा काम मैंने कर दिया, मतलब उसके बाद हम लोग पराठा खाएंगे। तो आटा वाटा मैंने सान लिया है और बच्ची रो रही थी तो मैं यहाँ पे आ गई। तब तक चिकन की प्रिपरेशन ये करेंगे, तब तक ये सो जाएगी तो फिर मैं जाती हूँ किचन में। और बच्ची भी उठ गई है, नींद आ रही है, इनको सोना नहीं है। तो आज स्पेशल डिनर है अफगानी चिकन, कैसे बनाएंगे देखेंगे। और ऑफकोर्स ये बनाएंगे तो टेस्टी बनेगा, क्योंकि ये इनका खाना, इनके हाथ का खाना तो ऑसम रहता है। रेडी है कि चिकन आ चुका है और प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको मैं प्रिपरेशन दिखाती हूँ कि हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। आप भी बना सकते हो, शायद अच्छा बन जाता, आप भी बना सकते हो। और इसमें ये है ना कि क्रीमी रहता तो अच्छा होता खाने में, मसाला नहीं रहता इसमें, और मुझे मसाला जमता भी नहीं है वैसे भी। ये क्रीमी टाइप रहेगा तो अच्छा लगेगा शायद, तो लेट्स सी, देखते हैं। तो आज के हमारे मास्टर शेफ है ये बेचारे, थके हुए ऑफिस से आने के बाद, ऑफिस से आने के बाद ये करना पड़ रहा है, हो रहा है ओवर टाइम करना पड़ रहा है। जिसके इसके कुछ नहीं मिलने वाला है, खाने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं मसाला रेडी कर रही हूँ, इसमें है धनिया, पुदीना, मिर्ची, प्याज, लहसुन और काजू पड़ेगा जो अभी ऑन द वे है। सो नेक्स्ट प्रोसेस है ये दही, और ये मसाला पीस दिया है अच्छे से, उसको वो दाना बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ठीक है एकदम अच्छे से वो करो। डाल दो उसको, बताओ। हाँ तुम्हें तो आता है यार। तो क्या बात कुछ ऐसी है, मैं आ गई अंदर क्योंकि दित्या रोने लग गई थी और वो उठ गई थी, तो उसको मैं फीडिंग करा रही थी। और ये बना रहे बाहर खाना, और आगे का जो प्रोसेस है मैं आपको नहीं बता पाई, लेकिन मैं ओरली बता दूंगी थोड़ी देर में। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है बहुत अच्छा बनेगा। और रोटी वगैरह जो है साथ में खाने के लिए रोटी बनाया, पराठा बनने वाला था पहले लेकिन कैंसिल करके रोटी बनाया, क्योंकि रोटी से इसका टेस्ट अच्छा आएगा, इसलिए रोटी वोटी बन गया, रोटी बना दिया मैंने। पर मैं यहाँ पे दित्या को देख रही हूँ, मैडम जी उठ जा रही है बार बार, दित्या आज नहाए दित्या, कैसा लगा दित्या नहा के? अच्छा लगा ना, अब रोज नहाओगी तुम, ऐसा लग रहा है बॉक्सिंग कर रही है। ये वाला इसको पहना तो ऐसा लगता है बॉक्सिंग करती है। डुशम डुशम डुशम, लो 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 लो, डुश 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 डुश, हाँ लो डुश डुश। मैं आ गई हूँ किचन में और ये अच्छा संभाल रही दित्या को, और देखते हैं कि अफगानी चिकन कैसा बन रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा खाई हूँ, और हमारे शेफ का मतलब खाना तो मैंने जैसे बताया कि एकदम लाजवाब बनाते, और आज मैंने अफगानी चिकन फर्स्ट टाइम जिंदगी में खाया है और एकदम ही बढ़िया, एकदम ही मस्त। थैंक यू। हाँ सच में बहुत अच्छा लगा, वो क्रीमी टाइप रहता है, उसमें मसाला तो नहीं, कुछ भी, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, मतलब अच्छा लगा। और वैसे भी मसाला मुझे पसंद नहीं है, मुझे पता है। तो फिर कल दोबारा बनाओ? नहीं 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 नहीं, ये 2 महीने में 3 महीने में एक बार खा सकते हैं, रोज नहीं। तो इतना अच्छे से मतलब खाया भी अच्छे से, मन भी भर गया, और जल्दी मन भी नहीं करेगा। और कोई चीज ऐसी ही खानी चाहिए कि बाद में और अच्छे से खा सके।
इसको मैडम को पता नहीं चल रहा है, सोने वाली नहीं है क्योंकि दिन में दिन भर सोई है नहाने के बाद से, और ये आज रात को जागरण करने वाली है और साथ में मैं भी करने वाली हूँ। और साथ में ये तो नहीं करेंगे क्योंकि कल ऑफिस जाना है इनको। तो अभी तो बहुत टाइम हो गया है, 11:30 हो गया भैया। अपने आप ही मार रही बेटा तू। बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और जितिया रो रही है।